एक बात याद रखना मेरे भाई, यहाँ आ रहे हो ना तो बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। मान लिया जाए ना कि कोई रूम ले लेते हो ना, फिर भी ना यार बहुत मुश्किल वाली बात हो गई। फिलहाल ब्रदर हम जा रहे हैं लेक की तरफ। हालांकि फाउंडेशन जो वहाँ पे होती है ना, वो 6:30 के आसपास होती है, और यार अभी जो है 7:00 तो मुझे नहीं लगता, बस इसी घूमने के लिए जा रहा था ब्रदर, तो शाम के 7:00 और 6:30 में जाती थी। और ये मैंने सॉफ्टी लिया यार, 25 रुपये लगे यार, बड़ा मस्त एकदम सॉफ्टी था, यहीं से बगल से। और ये किला के आसपास ही हूँ मैं, किला पे भी वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल तो अभी लेक चलते हैं, अगर कुछ मिलेगा कंटेंट तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा, अदरवाइज कल दिखाएंगे, या नहीं तो फिर जो फाउंडेशन होता है वो कल दिखा देंगे, और जो भी होता है मैं दिखता हूँ। मैं जा रहा था तो एक है ना कि एक लंबा सा रास्ता है, पहले तो मैं यार उल्टी दिशा में चल गया, जिधर से सॉफ्टी लेके आ रहा था ना उधर, ना उधर उल्टा दिशा, और जब सही दिशा मिला ठीक उसके अपोजिट साइड में लेक है, तो जब हुआ तो देखो ना मेरे को ये वाला पकड़ में आ रहा था, ये देखो शायद आप लोग को दिख रहा होगा ये वाला रास्ता। तो फिर एक लोग ने बताया कि भाई देखो ये वाला शॉर्टकट पड़ेगा, तो ये शॉर्टकट से चले जाओ, तब जा कर के अच्छी हुआ, तब जाके मेरे को मिला। तो अब मैं जा रहा हूँ इधर, और भाई यार सब्सक्राइब कर दिया करो यार, जिस दिन मेरे ना सब्सक्राइबर 1000 हो गए, मतलब मोनेटाइज हो गया चैनल, समझ लेना कि इंटरनेशनल ट्रिप स्टार्ट हो जाएगा, और इंटरनेशनल में ही बनाऊंगा मैं वीडियो, इसलिए ना अभी जाने से कोई फ़ायदा नहीं। और यार रही बात, तुम लोग सोच रहे हो कि अच्छा पैसे कमा, तो यार देखो सबका मकसद होता है कि मैं कुछ पैसे कमाऊँ, ऐसे भी 1000 सब्सक्राइबर से मेरे कुछ होने वाले हैं नहीं, ठीक ना, जितनी अमाउंट मुझे मिलेगी उससे कुछ होने वाला है नहीं, तो बस मैं चाह रहा हूँ ना कि थोड़ा मोनेटाइज हो जाए। अभी जितने भी सब्सक्राइबर हैं ये मतलब अपने से तो नहीं जुड़ते हैं, यहाँ पे लोगों को बोल बोल करके जोड़ना पड़ता है, तो यार शुरू करना बहुत बहुत दिक्कत वाली होती है, एक बार मोनेटाइज हो जाता है ना तो सब लोग समझ जाते हैं, अरे यार अब मोनेटाइज है, सब्सक्राइब करो तो भी अच्छा है, नहीं करो तो भी अच्छा है, व्यूज़ तो यार अच्छे आते हैं, व्यूज़ के लिए कोई टेंशन नहीं होता है, टेंशन होता है सिर्फ उसी चीज़ के लिए, सब्सक्राइबर के लिए। तो भाई देखो कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, ये टेरिटरी है, और ये देखो ना मेरे पास ये वाला जो है मैप, ये देखो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने स्टार्ट करा, और ये वाला देखो यहाँ पे जाना है, तो अभी इसी रास्ते में है, फिर यहाँ से मुड़ करके फिर मेरे को जाना है उधर। ये देखो रात, ये ब्लैक हो गया ना, मतलब कि रात हो चुकी है, अब रात हो चुका है, देखो फिलहाल ऐसा दिख रहा है यार, ये यार इधर मीट का शॉप था यार, तो पता नहीं वो क्या, अच्छा फिश विश था यार, मेरे को लगा कि वो बीफ विश बना रहे। देखो यार हम हिंदू हैं तो भाई थोड़ा सा वीप से लगता है हम लोगों को, समझ रहे हो, बाकी सभी लोग समझ ही रहे होंगे। और यार देखो ये मीराना है, मीराना कोई, अच्छा ये बैंक्वेट हॉल है यार, ये बैंक्वेट हॉल है,
नेशनल जनरल, ये देखो जोधपुर मीट हाउस। तो देखो बस यही है, ये देखो एक होटल है यार जैसलमेर में। ये देखो भाई, और यहाँ पे क्या है यार, आई थिंक ये वाला रोड लेना पड़ेगा यार। अरे यार मेरे को आदत घुमाने वाली है, आई थिंक ना मेरे को ये वाला रोड लेना पड़ेगा भाई। मैंने अभी जानते हो एक समोसा खाया यार 20 रुपीज़ का। भाई यहाँ आना ना तो समोसे एकदम मत खाना यार, हम ही लोग का जो बिहार में मिलता है ना वही बेस्ट होता है यार, वैसा वैसा समोसा यहाँ नहीं मिलता। बकवास सी थी एकदम, 20 रुपये ले भी लिया, मुझे लगा कुछ स्पेशल होगा लेकिन स्पेशल कुछ भी नहीं था यार, यही वाला है। इधर से मैं आया और इधर जा रहा हूँ राइट साइड में, क्योंकि मैप तो यही दिखा रहा है यार मेरे को। हालांकि अरे यार शायद मैंने गलत ले लिया, शायद मैंने गलत ले लिया भाई। ठीक है चलते हैं फिर दिखाते हैं आपको सही। ठीक ना सर, लेक किधर से है, लेक किधर से जाना है? हाँ लेक शॉर्टकट के लिए, अच्छा वहाँ सामने, ओके भाई देखो बताया ना ये सामने। और एक बात याद रखना मेरे भाई, यहाँ आ रहे हो ना तो बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। मान लिया जाए ना कि कोई रूम ले लेते हो ना, फिर भी ना यार बहुत मुश्किल वाली बात होगी, क्योंकि ना पता नहीं आप लोगों को ये आ रहा है सही से या नहीं आ रहा है, क्योंकि एकदम रात हो चुकी है, सब बल्ब नहीं जल चुके हैं। तो यहाँ पे जब आना ना तो थोड़ा सोच समझ के, ठीक है 7500 रुपये में मिलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है ना कि तुम्हें फोर्स करेंगे भाई, सफारी ले लो सफारी ले लो, फलाना ढिमकाना ये कर लो वो, मतलब पैसे ऐठने के चक्कर में रहता है। इसीलिए होटल यहाँ सस्ते हैं ताकि लूटा जाए। मेरे से 2200 रुपये ले रहा था, हम एक बस ले जाएंगे हम, और ये फोर्स करेंगे आपको। और अगर फोर्स अगर तुम नहीं कर पाओगे ना तो क्या होगा कि तुमको अवॉइड करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये सब थोड़ा अथी रहना, मेरे को अच्छा नहीं लगा था समोसा इसीलिए। हाँ सॉफ्टी यार बड़ा मस्त था, सॉफ्टी मेरे को लगा ना कि एक और खाना चाहिए, लेकिन यार ज़्यादा ठंडी से देख रहे हो मेरा इसी गला बैठा हुआ है। तो और ये देखो यहाँ पे भीड़ वाला लिखा हुआ था, वो आप लोगों ने शायद देखा होगा बोर्ड, तो ये उसके बाद मैं जा रहा हूँ। और ये देखो सामने कुछ ऐसा ये चौराहा है, और भाई जानते हो एकदम काम करने का मूड ही नहीं कर रहा था, ब्लॉग बनाने का मूड ही नहीं कर रहा था। सर ये लेक इधर है, लेक लेक अच्छा सामने एकदम से, ओके तो एकदम सामने यार देखो वहाँ पे वो ये है ना, ये हो गया क्या कहते हैं उसको, चौराहा या फिर चौक हो गया, चौक टाइप का, और इसके ठीक सामने जाना है। तो चलते हैं। और तो यार और यहाँ का माहौल कुछ एकदम ऐसा दिख रहा है, उधर लेक की तरफ चल रहे हैं, शायद आप लोग को ये दिख गया होगा बढ़िया है ना, कैफे द फायर किचन रूफ टॉप कैफे। ये पता नहीं क्या है यार इधर, अच्छा होटल का होगा मे बी, कि आप लोग को सही दिख रहा होगा भाई। अब चलते हैं, ये रहा लेक भाई, देखो अभी जा रहे थे ना वहाँ से सामने से, और लेक एकदम समीप ही रहा। चलते हैं देखते हैं, पता नहीं अब फाउंडेशन तो ख़त्म हो गया होगा, क्योंकि लोग तो बोलते हैं 6:30 तक होती है स्टार्ट, और ये एकदम लेक पे ही अब पानी भी यहीं पर यहाँ तक आ गया। विदाउट टिकट नॉट एला बोटिंग प्लेटफॉर्म, अच्छा वो बिना टिकट के ना वो बोटिंग प्लेटफॉर्म पे नहीं जाने का है। और ये देखो, क्योंकि बोटिंग तो यार कल करेंगे, आज करने का एकदम एकदम यार गंदा सा पानी है, एकदम गंदा सा पानी, थोड़ा सा बास भी आ रहा है। खैर
और ये देखो ये सब बोट है। इसमें ना 200 वाला, मतलब कि जो दो वाला है ना ये 100 रुपये वाला है, और जिसमें तीन है ना, तीन लोग, वो शायद 200 का है, और जिसमें 6 है ना वो समझो कि 300 रुपये का, ठीक ना? ऐसा मैंने पढ़ा किसी, इसके बाद आप पता नहीं यहाँ क्या है, नहीं है। और ये देखो फाउंडेशन ख़त्म हो गया सर, लाइट्स और कुछ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम के कारण 3 दिन के लिए बंद है। अच्छा, तो कब होगी सर? जब ये 13 अगस्त को। अच्छा 13 अगस्त को, तो आज तो सर 3 दिन क्या 9 है, 4 दिन, 9 5 5 दिन है, 5 दिन के बाद यार शो हो गया, पता नहीं सर बिहार से छपरा बलिया आरा गया क्या? अच्छा चलो देखते, ये देखो अब तो यार देखो शाम हो गया है, तो अब बोट लेने का भी कोई मतलब कि ज़रूरत नहीं है। एक तो मेरे को पानी से ऐसे ही डर लगता है, तो भाई पॉसिबल नहीं है कि हम बोट अभी ले, पॉसिबल ही नहीं है। और मैं अकेले रहूँगा तो ऐसे भी मुझे 100 रुपये ही देने पड़ेंगे शायद, नहीं सर 150 100 रुपये 150 दो आदमी का 300, पता नहीं वो तो डबल वाला 100 रुपये है ना, 300 रुपये डबल वाला, 300 रुपये डबल वाला अभी दिया है, जस्ट हो गया ना। हाँ हो सकता है, देखेंगे बोट वाले तो है, मैं तो गाइड हूँ। अच्छा आप गाइड लाइन गए हैं वहाँ पर। अच्छा और ये देख लो भाई ये, हाँ ये तालाब, और वो क्या है, फाउंडेशन है क्या? वो फाउंडेशन नहीं है, तो? एक जमाने में, पुराने जमाने में वहाँ पर लोग जाते थे, अच्छा, राजा वगैरह जाते थे, और मुजरा डांस नाच कर नाच गाने का प्रोग्राम होता था। हाँ हाँ वो है, चाहे वो है, और सामने जो पीछे जो लास्ट में जो देख रहे हैं वो माता हिंगलाज का मंदिर है, जो मेन मंदिर कहते हैं पाकिस्तान के अंदर है, बहुत बड़ा मंदिर बलूचिस्तान के अंदर। कौन ये वाला? यार ये वाला नहीं, वो सामने वाला पेड़ों वाला, जो पेड़ वाला देख रहे हो। अच्छा तो वो माता हिंगलाज का मंदिर है। अच्छा तो मेन मंदिर पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के अंदर बना हुआ है। अच्छा और यहाँ पर, और यहाँ पर लोग जाते थे, राजा जाते थे, बोट के द्वारा नाच गाने का प्रोग्राम वगैरह होता है। अच्छा अच्छा, ये जो तालाब है इस तालाब का नाम है गडीसर लेक। हाँ गडीसर लेक, और ये कौन सा आर्टिफिशियल लेक? हाँ मैन मेड। अच्छा ये मैं बताता हूँ, ये हाँ हाँ ये क्या कहते हैं, कौन जैसलमेर, जैसलमेर नहीं, ये राजा गढ़सी। हाँ गढ़सी ने 13th-16th-7th century में इसको बनवाया था। गढ़सी ना उसके भी पहले बनवाया था, जैसल था 1156। हाँ 1156 जब ये शहर बनाया, उस समय पॉपुलेशन कम थी, जब ये शहर मजबूत हुआ, आबादी बढ़ी, तो पानी की प्रॉब्लम हुई, तब हमारे 13वें नंबर के राजा ये तालाब बनाया 13वीं सेंचुरी। हाँ हाँ तभी से इनका, उनका सरनेम नाम था गढ़सी, उनका नाम हाँ इस तालाब नाम पड़ा। हाँ गढ़सी, हाँ 1987 तक इसका पानी यूज होता था, 87 तक। अच्छा 87 तक। हाँ इस झील में बॉलीवुड की 32 पिक्चरें शूट हुई है। कौन कौन सी? 1974 में रेशमा तेरा, अच्छा 82 में रजिया सुल्ताना, 92 में रुदाली है, 95 में सात रंग के सपने हैं, 97 में जोर है, 98 में हम दिल दे चुके सनम है, 99 में मेला है, 2000 में दाइत सर प्रेम के है। अच्छा मेला में किस समय हुआ है भाई? धड़कन में तुम सबों में तुम जाना है ना, वो शूट हुआ। अच्छा ये यही का है। और 2001 में हम तो तुमसे प्यार है, 2 में बम्बई से है मेरा दोस्त, 3 में अब्दुल्ला, 4 में अल्लादीन, 5 में विक्ट्री, 6 में निन्ने जैसलमेर, 7 में टेल मी ओ। बस सर बस कीजिए भाई, अब भी अति हो गए, इनको पूरा याद है लगता है कि 3500-4000 जो होगा ना वो सब याद होगा इनको। बस यहाँ पे यही है यार, और अभी शाम का वक्त है, तो शाम में यार देखो मेरे को तो भाई डर लगता है, मुझे नहीं लगता है कि मैं जा पाऊंगा। ये चीज़ मैं आप लोग को जो संगम गए थे उसमें भी बोला था कि भाई मेरे को पानी से बहुत डर लगता है, और मुझे नहीं लगता है कि मैं जा पाऊंगा अंदर पानी में बोट लेकर के, है ना? बातें 100 रुपये 200 रुपये की नहीं है, वहाँ तो 85 रुपये में मेरे को मिल रहा है, लेकिन फिर भी नहीं गया, ये पॉसिबल है ही नहीं। और अभी तो यार रात में तो और मेरी हिल जाएगी, तो मैं अभी तो जा ही नहीं सकता हूँ। चलो ठीक है, ये दिखा दिया, दिन में दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा, मैं कल आता हूँ। अच्छा कल आने से कोई फायदा है नहीं, फाउंडेशन तो चलेगा नहीं, लेक आपको मैंने दिखा दिया, क्या बदल है? ब्रदर भी है।
तो ठीक है भाई, अभी तो लेक दिख ही नहीं रहा, कोशिश होगा कि अगर लेक मैं दिखा सकूं, कल आ सकूं इधर तो मैं दिखा दूंगा। अब लेक देख के भी क्या करना है यार, खाली पानी है और क्या। और वहाँ पे वो जो मंदिर बतलाए थे, वही जो बलूचिस्तान वाले बता रहे थे ये गाइड साहब, और ये यहाँ पे देख लो, ये पूरा का पूरा देख लो। एक मिनट ब्रदर, ये अभी अभी इधर से आया था मैं, और बोट तो यहाँ तक है ही। और ये कौन सा ब्रदर? ये शिव जी का मंदिर है। अच्छा, ये शिव जी का मंदिर है ब्रदर। अरे अच्छा, वो क्या है ब्रदर? कौन सा? ये बर्ड्स फॉर मत कैफे है जो लाइट चमक रही है। ना ना, वहाँ नहीं, यहाँ ये वाले मंदिर के बगल थी यहाँ राजा मधुर। अच्छा, और वहाँ वहाँ पे, अच्छा उधर कैफे है। और ये बीच वाला, ये जो अभी एकदम ठीक सामने जाली वाला विंडो पैलेस। अच्छा, विंडो पैलेस। और ये क्या है? ये रॉयल फैमिली की स्मृति शाही पार्टियां होती थी, तो जो है वो काफी ले आते थे। तो शाही पार्टियां होती थी ये वाले पे, उसी पे लगता है फाउंडेशन लगी हुई नहीं सर? अच्छा अच्छा, जहाँ पे पार्टियां होती थी भाई, वहीं पे फाउंडेशन लगा हुआ है। चलो रहने दो, आज के लिए काफी है। ये देख लो भाई, ऐसा दिखता है दिन का नजारा। लेक जो है दिन में ऐसा दिख रहा है। उस दिन मुझे पता है कि आप लोगों को मैंने रात में दिखाया, तो रात वाला। अब पता नहीं आज फाउंडेशन चलेगा भैया? अरे यार, फाउंडेशन आज फिर भी नहीं चलने वाला। कि कब तक चलेगा? अब कितना खींचूं? वो वाला भी बताया था मैंने कि वो अफगानिस्तान में भी है उसका सबसे मेन सेंटर। और ये वाला है जो, ये तो यहाँ पे राजा वगैरह वगैरह जाते थे। और ये देख लो भाई, इसमें ना दो तरह का फिश है, एक तो रोहू लग रहा है और दूसरा जो है वो कैटफिश है। वो देखो कैटफिश। अच्छा, ये दो तीन लगता है क्या स्पोर्ट है ना? एक वहाँ पे भी है स्पोर्ट शायद। और वहाँ पे बोट लगा हुआ है यार, ये पता नहीं क्या है। अब बीच में एक पेड़ है, ये भाई आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल लेक है। ये देखो भाई,
ये क्या मस्त है। और ये देखो ट्रेडिशनल कपड़ों में क्या बात है। थैंक यू सर। और भाई लाइट शो ना इधर से जाना पड़ता है लाइट शो के लिए, तो 7:30 बजे होती है, तो अभी 5 मिनट अभी बाकी है। ये देखो क्या मस्त है। बोटिंग के लिए उधर से, ठीक ना, लाइट शो के लिए इधर से। ये वाला है फाउंडेशन, समझ गए ना, हम वहाँ वाला देख रहे थे, वो जो है ना वहाँ वाली देख रहे थे। एक्चुअली ये है फाउंडेशन शो, ये वाली। यार वहाँ के क्या बोले यार, लोगों ने भी नहीं बतलाया। अब देखते हैं आज चलता है या नहीं। 2-3 दिन से तो बोला था कि बंद रहेगा, लेकिन अब पता नहीं क्यों, शायद इस बार हो जाए। और ये चिलिंग पे ये देखो सारे के सारे लोग, सारे का सारे लोगों का जमावड़ा यहीं पे है। ये देखो इधर शायद बैठने वाला है। और यार हम भी यहीं से बैठ के देख लेंगे। भाई एक चीज यहाँ की खराबी है यार, देखो कितना कचरा फैला के रखा है। देखते हैं अभी 7 या 7:30 में तो बोला है, 7:30 तो हो चुका है यार। अब पता नहीं ये फाउंडेशन कब स्टार्ट होगी।